I want you to observe this figure on your screen जिसके अंदर surface monsoon winds के बारे में describe किया गया है. As we have already discussed during summer season जो ITCZ is on the Tropic of Cancer. Now ITCZ is the intertropical convergence zone जहाँ पे जो trade winds है वो converge हो रही है from northeast in the northern hemisphere and southeast in the southern hemisphere. But during summer season ITCZ shift हो गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. सो जो विंड्स थी जो कन्वर्ज होनी थी एट द इक्वेटर, दैट इज जो साउथ ईस्ट विंड्स थी इक्वेटर पे कन्वर्ज होनी थी, बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो वहाँ पे कन्वर्ज नहीं हुई एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स दी फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस, फ्रॉम सदर्न हेमिसफीयर टू नॉर्दर्न हेमिसफीयर. Now, as we know, ITCZ जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है यानी कि सन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है एट दिस रीजन. यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज एक्सपीरियंस हो रही है जो विटनेस की जा रही है. सिमिलरली जो लो प्रेशर जोन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा बिकॉज यहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर है. हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर. नाउ दिस लो प्रेशर विल अट्रैक्ट द विंड्स ऑफ द हाई प्रेशर विंड्स. नाउ जो भी हाई प्रेशर विंड्स है फ्रॉम ओशन से वो ट्रैवल कर रही है towards India. Now, as you can observe in the figure, जो south east trade winds थी वो equator cross करके north west के जगह south west direction में जा रही है. So this is the seasonal reversal of winds. This is the monsoon. Monsoon is a Greek word which means it's derived from Greek word which means seasonal reversal of winds. कि जो winds थी south east से north west में जा रही थी वो फिर south west होके इंडिया में एंटर किया. Why? Because ITCZ is on the Tropic of Cancer, that is Indian subcontinent. So वहाँ पे extreme low pressure है. So जो भी high pressure के winds है from the surrounding वो attract करेगा. And another thing you can observe in this that as the onset of monsoon जब हो रहा है वो एक south west monsoon से जा रहा है तो यहाँ पे वो दो branch में distribute हो रहा है. एक Arabian Sea branch है and एक Bay of Bengal branch है. कि Arabian Sea branch से वो इंडिया में enter हो रहा है and एक Bay of Bengal से वो वापस इंडिया में हो रहा है from northeast and then to north India. सो इस तरीके से मानसून डिस्ट्रीब्यूट होता है इंडिया में. सो दिस इज द मेजर सरफेस मानसून विंड्स, दैट इज जो सीजनल रिवर्सल है. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई जो विंड्स रिवर्स हो रही है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आईटीसीजेड एट द नॉर्थ इंडिया जहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर है जो सारी हाई प्रेशर के विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा है.